7 ग्राम हेरोइन के साथ युवक नशे में गिरफ्तार। लंबे समय से शहर में नशा तस्करी करने के आरोपी और 26 अपराधी केसों में नामजद महिला पाला का बेटा भी अब हेरोइन समेत पकड़ा गया है। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने उससे 7 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपी सेक्टर 38 निवासी दिहाड़ीदार मनोज है। पुलिस ने उसे बीते सोमवार को 55 व 56 की डिवाइडिंग रोड के समीप से काबू किया है। पुलिस को रिकॉर्ड जांचने पर पता लगा कि आरोपी मनोज पर सेक्टर 39 थाने में ही 4 जुलाई 2016 को मारपीट और 31 जुलाई 2016 को एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 केस दर्ज है। नाले में मिला अज्ञात युवक का अर्धनग्न और सिर कुचला शव। सेक्टर 48 सी में सड़क किनारे बने पार्क में एक कोने पर गहरी जगह में एक अज्ञात शव मिला। किसी राहगीर ने नाले में अर्धनग्न अवस्था में पड़े एक पुरुष का शव देखा तो मोहाली पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया। सूचना पाकर मौके पर SHO नरदेव सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। शव को देखने से लग रहा था कि ये कुछ घंटे पहले ही मारकर यहां पर फेंका गया है। आसपास खून के थप्पे या अन्य सामान नहीं मिला। हत्यारों ने इस शव की पहचान छुपाने के लिए इसके मुंह व सिर पर पत्थरों से कई वार किए थे। चेहरा व सिर खून से भरा हुआ था, इसी वजह से पहचानना मुश्किल है। कॉल सेंटर में काम करने वाली हिमाचल की युवती से मोहाली में दुष्कर्म, कार्रवाई न करने पर SHO सस्पेंड। सोहाना थाने के SHO दिलजीत सिंह गिल को दुष्कर्म मामले में कार्रवाई न करने पर SSP हरचरण सिंह भुल्लर ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों को अहम मामले संबंधी सूचना नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया। जिक्र योग है कि सोहाना थाने के अधीन पड़ते क्षेत्र में ऑफिस जा रही एक 22 वर्षीय युवती को एक कार चालक ने सोमवार को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया और सुल्तान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह आरोप पीड़ित युवती ने सोहाना थाने के SHO दिलजीत सिंह गिल को दी शिकायत में लगाए थे। जंगयार्ड क्लब के बाउंसर की गुंडागर्दी, पार्टी में आए युवक को पीटा। अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित ग्लोबल बिजनेस पार्क मॉल के अंदर चलने वाले डिस्क क्लबों में आने वाली भीड़ के साथ क्लब के बाउंसरों द्वारा की जाने वाली मारपीट थमने का नाम नहीं ले रही। शनिवार को ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें क्लब के बाहर तैनात बाउंसरों ने गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी और एक युवक को लात घूंसे व डंडों के साथ पूरी तरह पीट डाला। पूरा मामला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। 45 लाख खर्च कर बिछाई पाइपलाइन, फिर भी सुखना को नहीं मिल रहा पानी। सुखना लेक इस बार ट्यूबवेल से पानी नहीं डाला जा रहा। सुखना इस बार पूरी तरह से बरसात के भरोसे रहेगी। 2 साल पहले 45 लाख रुपए खर्च कर जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसका भी कोई फायदा सुखना लेक को नहीं हो रहा। प्रशासन ने सुखना का जल स्तर मेंटेन करने के लिए ये पाइपलाइन बिछाई थी जिसमें गोल्फ रेंज और इसके आसपास के कई ट्यूबवेल का पानी इस पाइपलाइन से सुखना में डालने की शुरुआत हुई थी। अगर इस साल बरसात औसत से कम हुई तो प्रशासन का ये फैसला उल्टा पड़ सकता है।